फ्रेंड्स, क्या आपको पता है हमारे मस्तिष्क के दो पक्ष होते हैं, दायां और बायां, जो अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। हमारे सोचने का तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे दिमाग का कौन सा हिस्सा डोमिनेंट है, यानी कौन सा हिस्सा हावी है, दायां या फिर बायां। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे पास केवल मस्तिष्क के एक ही तरफ से पहचाने जाने योग्य लक्षण होंगे, क्योंकि हमारा मस्तिष्क अलगाव में काम नहीं करता है। आज मैं आपको एक ऑप्टिकल इल्यूजन दिखाने वाला हूँ, जिससे यह पता चलेगा कि आपके मस्तिष्क का कौन सा पक्ष डोमिनेंट है, और उसी हिसाब से आपके व्यक्तित्व और लक्षण के बारे में भी पता चलेगा। तो इस इमेज को ध्यान से देखिए, इसमें दो जानवरों को दिखाया गया है। तो आपने नोटिस किया होगा कि इस इमेज में दो जानवर, एक बाघ का सिर और दूसरा लटकता हुआ बंदर है। तो आपके मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा डोमिनेंट है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने सबसे पहले किस जानवर को नोटिस किया। अगर आपने सबसे पहले बाघ के सिर को नोटिस किया, तो इससे यह पता चलता है कि आपके मस्तिष्क का दाहिना पक्ष हावी है, यानी आपके मस्तिष्क का राइट वाला साइड डोमिनेंट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इससे आपके व्यक्तित्व के बारे में क्या पता चलता है। पहला, आप एक प्लानर है, यानी एक योजनाकार है। आप किसी भी चीज को पूरा करने से पहले एक योजना बनाना पसंद करते हैं। दूसरा, आप लॉजिकल है, यानी तार्किक है। आप निष्कर्ष निकालने से पहले निरीक्षण और विश्लेषण करते हैं। तीसरा, आप रैशनल है, यानी तर्कसंगत है। आप लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तथ्यों के आधार पर निर्णय लेते हैं। चौथा, आप रियलिस्टिक यानी यथार्थवादी हैं। आप इस बात की समझ रखते हैं कि आप किसी विशेष स्थिति में क्या हासिल कर सकते हैं। पांचवा, आप प्रिसाइज यानी सटीक है। आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य है और उसे प्राप्त करने का निर्धारित मार्ग भी है। तो अब बात करते हैं लटकते हुए बंदर के बारे में। अगर आपने सबसे पहले लटकते हुए बंदर को नोटिस किया, तो आपके मस्तिष्क का बायां पक्ष डोमिनेंट है। अब जानते हैं इससे आपके व्यक्तित्व के बारे में क्या पता चलता है। पहला, आप इंपल्सिव यानी आवेगी हैं। आप स्पॉन्टेनियस डिसीजन यानी सहज निर्णय लेते हैं और समाज से थोड़ा हटकर दृष्टिकोण लेने की आदत रखते हैं। दूसरा, आप इमोशनल है। आप भावुक होते हैं और निर्णय लेने से पहले सोच समझ कर समय व्यतीत करते हैं। तीसरा, आप क्रिएटिव यानी रचनात्मक है। आपको संगीत, कला और अन्य रचनात्मक विषयों में रुचि है। चौथा, आप इंट्यूटिव है, यानी आप अपने अंतर ज्ञान के आधार पर निर्णय लेते हैं, ना कि पुस्तक में दिए गए नियमों के आधार पर। पांचवा, आप एक ड्रीमर है और अक्सर अपने सपनों की दुनिया में खो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे करने बताइए, आपने सबसे पहले किस जानवर को नोटिस किया था। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।